आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर बने ग्रुप में ग्राम पंचायत बेड़दा के सरपंच प्रत्याशी महिला के पैम्पलेट्स में चुनाव चिन्ह पर अश्लील तस्वीर लगाकर पैम्पलेट्स को शेयर करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में पार्टी पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए अश्लील तस्वीर लगाकर पैम्पलेट्स शेयर करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी आर के लवंशी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति, एसडीओपी रूपरेखा यादव के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाने से थाना पार्टी पर आरोपी आमलिया पिता देवी सिंह 32 वर्ष निवासी बेड़दा के विरुद्ध धारा 292, 468, 470, 471, 509, 188 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 67, 67(1) अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाने से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी युवक ग्राम पंचायत बेड़दा के सरपंच पद के प्रत्याशी महिला के पैम्पलेट्स में उनके चुनाव चिन्ह चश्मे की जगह अश्लील तस्वीर लगाकर एडिट के बाद घटना का अश्लील तस्वीर शेयर व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में किया, जिससे फरियादी सरपंच पद के प्रत्याशी महिला की छवि समाज में खराब होकर बदनामी हुई। इस पर पार्टी पुलिस फरियादी की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार देर शाम को केस दर्ज किया। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर साइबर पुलिस टीम द्वारा भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतर्कता से नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर भ्रामक बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर समाज में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। थाना पार्टी पर एक महिला द्वारा आवेदन दिया है ग्राम बेड़दा के, उस पर आईटी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आचार संहिता का आदर्श आचार संहिता का सभी जगह पालन करवाएं। अगर कहीं से भी कोई सूचना अगर प्राप्त होती तो तत्काल वैधानिक कार्रवाई करें। कल थाना पार्टी पर ग्राम बेड़दा के जो सरपंच पद हेतु जो महिला पंच खड़ी हुई थी, उसके चुनाव चिन्ह को लेकर के उसी गांव के व्यक्ति द्वारा जो चुनाव चिन्ह चश्मा था उस पर उसने कुछ अश्लील फोटो एडिट कर ग्रुपों में वायरल कर दिया गया। जो जब वो उनको पता लगा और सभी जानकारी उनको प्राप्त हुई कि हमारे चुनाव चिन्ह की जगह अश्लील फोटो हमारा वायरल किया जा रहा है, तब वो अविधिका थाने पर उपस्थित हुई, जिसके द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत को देखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा भी धारा 144 के अंतर्गत आदेश निकाले गए हैं कि कोई भी सोशल मीडिया में किसी प्रकार के भड़काऊ भाषण या अश्लील फोटो या गाने का प्रसारण नहीं करेगा, और उसका भी उसने उल्लंघन किया, उसमें धारा 188 भी हमने अप्लाई की है। सर आरोपी गिरफ्तार, आरोपी अभी राउंड अप करना है। सर तीन धारा मामला दर्ज, धारा 292, 467, 468, 470, 471, आईटी एक्ट धारा 67, 67(a) और आचार संहिता का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अपराध धाराएं लगाई उसमें। अभी जो फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट पे जो फोटो वायरल किया गया था, अभी हमारी साइबर टीम द्वारा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम की भी सतत निगरानी कर रहे हैं। यदि कोई द्वारा इस प्रकार की भ्रमित और असली फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे तो ग्रुप एडमिन और जो फोटो शेयर करने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम इन्हीं धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल भेजेंगे।